मुसाफिर ऐसी परोपकार वाले गुरु जी की जीवन कथा सुन के अथरू डोलदा है ते इसे रंग विच इसे वैराग विच अपने कमरे विच चला गया। अगले दिन बाबा जी नूं आखण लगा, बाबा जी दरअसल ना दुनिया नूं गुरु साहिबान की महानता का पता नहीं, नहीं तो सारी दुनिया ते गुरु की शरण विच भज भज के पवे, तुसी दुनिया नूं क्यों नहीं दसदे। बाबा नौद सिंह ने जवाब दिता, बई सज्जणा असी ते होए पेंडू ते अनपढ़, तुसी ते हुण सारा कुछ जाण गए हो नाले विद्वान हो, तुसी ये काम करो ना। मुसाफिर ने आख्या, तुसी बिल्कुल ठीक आख्या है, जरा कुछ दिन होर मैं गुरु की गल नूं चंगी तरह समझ लवां, फिर सारी दुनिया विच ना मैं गुरु की वड्याई करांगा। बाबा जी वैसे भाई साईदास की गलबात किन्नी चंगी है, किवें अमली तरीका दस्या ने फजूल बहसां तो छुट्टण दा। जिहड़ी बहस एवें पढ़े लिखे लोगों का दिमाग ही खपाउंदी रहिंदी है। भला बाबा जी साईदास जी थक क्यों गए ते उदास क्यों हो गए? बाबा जी ने जवाब दिता, असली कारण ते गुरु जाने, पर लगता है बई जदों अंदरों बाहरों साफ बंदा किसी आदमी नूं सुमत देंदा है तो वह सिर्फ एवें ना निरी अकल नहीं, अकल की सिक्ख्या नहीं हुंदी, सगों उसकी आत्म सत्या भी नाल ही दित्ती जा रही हुंदी है। उन्हां दा सुभाव हुंदा है एकाग्र चित रहण दा, तो इस तरह लम्मियां लम्मियां विचारां वाले उपदेश करन विच सगों मन खिंडदा है। सुरत एकाग्रता विच सुखी ते बलवान हुंदी है ते खिंडण विच ना बल घटदा है, ते इस तरह लगता है जिवें सारी सुरती उत्ते कट्टा चढ़ गया। पर अभ्यासी मन अपनी सिमरन शक्ति नाल फिर अपने अंदरले टिकाओ विच चले जांदे ने। इस करके हुक्म यह आ, जे को अपनी ओट संभारे जैसा बित तैसा होए वरतै, अपनो बल नहीं हारे। भाव अकाल पुरख वाहगुरु की ओट ते आसरे ते रवे ते जिन्नी कु सत्या जिन्ना बल उसने शरीर अते दिमाग विच पाया है, बस ओने कु दी वरतों करे, भाव वित्तों वध मेहनत ना करे, बाकी कारज गुरु दा है।